का भुला, पार्ट बोल रहा है मैं अपने भुला के लिए, भुला के बिना नहीं जाऊँगा, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। तो फाइनली मुझे भुला को लेके जाना पड़ा। तो अभी मैं और पार्ट ऑटो में जा रहे पावर हाउस, तो वहाँ पे हमें मेरी बहन मिलेगी। तो चलो पहले बहन के पास चलते हैं, फिर उस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और फिर गाड़ी में जाएंगे। यस। और फिर बिल्ला बन जाएंगे। यस। तो बहन और आ गए हैं, ये भी मेरी बहन। राधे राधे बहन, राधे राधे। लो मेरा बैग रख लो। तो अब हमारी जर्नी हो गई स्टार्ट, तो चलो चलते हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो गाइस हम निकल गए हैं वृंदावन के लिए, और पहले बरसाना जाएंगे, ठीक है। तो इस गाड़ी में मैं, परिधि नेगी, भुल्ला, पाठ, दीदी, तो हम सब जा रहे हैं बच्चों की टोली को लेके वृंदावन। सब बताएंगे कितने कितने साल बाद जा रहे हैं। मैं तो बहुत साल बाद जा रही हूँ, मतलब 7 साल बाद जा रही हूँ। और सेम जब 5-6 महीने का था तब मैं गई थी, और अब जाऊँगी। पर आप कब गए थे? कभी गए थे, मैं 4 महीने पहले। बहुत देर से बुलाया कृष्णा ने, और हम अपने भुला को लेके भी जा रहे हैं। तो हमारा भुला भी जा रहा है, तो हम कृष्णा जी इन दोनों के फैन है, इसलिए इन दोनों को बुलाया है। तो हम अपने हम भजनों के साथ अपने यात्रा को एंजॉय करते हैं, और मिलते हैं बीच में आपसे। तो हम रुक गए एक जगह खाना खाने के लिए, और 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखो बच्चों की एक्टिव, रोड की तरफ मत जाना। और बस हमारे साथ डुग्गू भी आया हुआ है। तो हम यहाँ रुके हैं मन्नत में, इस टाइम तो बहुत खाली हो रखा है। तो चलो चलते हैं डिनर करने के लिए। ये तो बच्चे तो कभी भी, हमेशा इनका तो एक्टिव हमेशा। ये देखो चलो चलते हैं। 2:30 बज रहे हैं, और लोग देखो परिक्रमा कर रहे हैं। हम राधा रानी के मंदिर के नीचे ही हैं, देखो ये परिक्रमा कर रहे हैं। देखो 2:30 बज रहे हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं। सुबह 3 बज गए, और हमें बहुत मेहनत तो बाद एक होटल मिला है जिसमें 2 डबल बेड लगे हैं। तो हम सब यहीं पे रहेंगे। तो काफ़ी सिंपल सी धर्मशाला है, बट बहुत रश हो रहा है, बहुत रश। मतलब हम 1 घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं, तो अब जाके ही मिला है। तो 3 बज गए, चलो सोते हैं, सारे सारे फ्रेश होके आ जाओ, फिर सोते हैं। सो गाइस चलो सोते हैं, फिर आप सब सुबह मिलते हैं। तब तक के राधे राधे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सो सुबह हो गई, और हम लोग रेडी हो गए हैं। ये देखो सारे के सारे रेडी हो गए, और अब हम वैसे बहुत लेट हो चुके हैं राधा रानी से मिलने जाने के लिए। तो फटाफट से गाड़ी में सामान रखते हैं, और यहाँ से थोड़ा वॉकिंग है। पहले तो हम गाड़ी में जाने की सोची थी, बट मैंने कहा नहीं यार, फ़ायदा ही क्या है जब गाड़ी में जाएंगे तो। और ये देखो राधा, देखो तो चलो फटाफट से चलते हैं राधा रानी से मिलने। देखो भुल्ला तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है, भुल्ला भी बहुत एक्साइटेड है, भुल्ला का भाई भी बहुत एक्साइटेड है, और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। तो चलो जल्दी से चलते हैं राधा रानी से मिल। हम इस रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी वाला रास्ता है, सीढ़ियों वाला थोड़ा दूर पड़ता है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तो देखो ये पूरी पहाड़ी दिख रही है, और पूरा राधा रानी का महल है, पूरा ही चढ़ के जाना है वहाँ तक। तो चलो जल्दी से फटाफट से कंप्लीट कर कच्चे रास्ता। वहाँ से ही मुझे माला स्टार्ट हो गया, यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, माला वगैरह, श्रृंगार वगैरह। फिर यहाँ से यह राधा रानी का मंदिर है। सो हमने चुन्नी, श्रृंगार और माला, प्रसाद वगैरह सब ले लिया है, और हम यहाँ से चलेंगे राधा रानी जी के पास। और देखो पार्ट ने क्या लिया है, देखो पार्ट ने अपने लिए ये लिया है,
और बहन वगैरह सब आगे चले गए। चलो चलो फटाफट से पहले चलते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं। पूरी मार्केट है यहाँ से, ये एंट्रेंस है। हमने बैक साइड से एंटर किया क्योंकि हम गाड़ी वाले रास्ते से आए हैं, मतलब आए हम पैदल हैं बट हमने गाड़ी वाला रास्ता लिया है। तो ये इसकी मंदिर की बैक साइड है और सबसे अच्छी बात है कि आज मौसम थोड़ा ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा चल भी पाई हूँ नंगे पैर, अदरवाइज तो बिना चप्पलों के चलना इम्पॉसिबल है। यहाँ देखो पार्क कितना एंजॉय कर रहा है, मुझे चाहिए था बट मुझे ये यहाँ अच्छे कॉस्ट में मिल गया। सो हम पहुँच रहे हैं, देखो यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। मतलब मैं अपनी ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है क्या। और ये देखो लिटरली मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं है बट मुझे थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो सो चलो। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई है और हम श्री लाडली जी के पास बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो चलो फटाफट से हम ये थोड़ा सी सीढ़ियाँ जिनको तय करते हैं फटाफट से चलते हैं। हमने दर्शन कर लिए राधा रानी की, तो आगे फ़ोन अलाउड नहीं है इसलिए हमने फ़ोन यूज़ नहीं करा। यहाँ से राधा रानी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल फ्रंट में जाके दर्शन किए मैंने और बहन ने, बच्चों को हमने साइड में उठाया था, बिल्कुल फ्रंट में जाके दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जय सो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और ये देखो सारे भक्त लोग अपने बाहर आके अपने अपने फोटोज वोटोज, और मैं आपको यहाँ से नीचे का व्यू दिखाती हूँ। कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि मतलब वो इमेजिनेशन चल रहा है। याद रहने खड़े होते हैं यहाँ पे, यहाँ से नीचे देख के होगी एक बार तो अभी हुआ है बट पहले तो सारा खा लेता है, इतना सुंदर मैं क्या लगूँगा क्या क्या पहले करती हूँ सारी चीज़ें से दिमाग में आ गई है।
यहाँ पहुँच गए कोकिला वन। हम एंटर कर रहे हैं अभी यहाँ से, चलो चलते हैं अंदर शनि मंदिर। अंदर शनि मंदिर पहुँच गए। हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई है, बताऊँगी अभी थोड़ी देर में। इसको देखो, इसको सीधा रास्ता नहीं रहा जाता, कहाँ से आ रहे हैं। आओ फटाफट से आओ। शनिदेव